मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। कई जगह गांव वाले नदी पार करने को मजबूर हैं। इसी बीच नर्मदापुरम से फर्ज निभाने की एक तस्वीर सामने आई है। जिले से 65 किलोमीटर दूर मोकलवाड़ी गांव में नदी के किनारे झाड़ियों में फंसे मजदूर के शव तक पहुँचने के लिए महिला सब इंस्पेक्टर समेत पुलिस स्टाफ को दो नदियां पार कर पहुंचना पड़ा। गहरे पानी में उतरकर पुलिस घटनास्थल पहुंची। इसके बाद शव का पंचनामा कर उसी नदी को शव के साथ पार किया। करीब आधा किलोमीटर तक ग्रामीणों की मदद से पैदल शव को लेकर आगे चले। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में शव को दूसरी नदी तक लाया गया। आखिर में दूसरी नदी पार करने के बाद शव वाहन से पोस्टमार्टम के लिए सोहागपुर लाया गया। सनीराम पुत्र उम्र 45 वर्ष फौजी उइके साजकुही थाना तामिया छिंदवाड़ा का रहने वाला था। मोकलवाड़ी में किसान दिनेश पटेल के यहाँ खेत में पिछले एक साल से मजदूरी करता था। 25 जुलाई को वह गांव गया था। पुलिस के मुताबिक दो दिन पहले वह गांव से मोकलवाड़ी के लिए निकला था। ग्रामीण दिनेश पटेल ने बताया कि मोकलवाड़ी गांव सुखी नदी से घिरा हुआ है। यहां पहुंचने के लिए नदी ही एकमात्र रास्ता है। लंबे समय से ग्रामीण पुल की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुल नहीं बन पा रहा है। बारिश के मौसम में नदी में ज्यादा पानी भर जाता है, ऐसे में निकलने में परेशानी होती है। शोभापुर पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर वर्षा धाकड़ ने बताया कि बुधवार दोपहर 12 बजे ग्राम कोटवार से सुखी नदी किनारे शव झाड़ी में फंसे होने की सूचना मिली थी। घटनाक्रम में पुलिस को करीब 4 से 5 घंटे संघर्ष करना पड़ा, जिस कारण शव को पीएम के लिए लाते लाते देर शाम हो गई। एसआई ने बताया कि मृतक के कपड़े झोले में रखे बंधे मिले। संभवतः नदी में पार करते समय बाढ़ में वह बह गया होगा। मर्ग कायम कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। एसआई ने बताया कि घटनास्थल तक पहुंचने के लिए नदी पार करना ही एकमात्र रास्ता था। कीचड़ में वाहन नहीं पहुंच सकते हैं। वो बड़ी समस्या है, लेकिन गांव की तो अरे यार भैया, तुम एक बार हम लोग जीवन हो गया। विधायक साहब के पास जाओ ना सब लोग।